आपको एक चीज़ बोला था, 20,100 की स्ट्राइक प्राइस है मेरी नज़र है, और ये देखो एक हेल्दी कैंडल आएगा तो मैं इसमें ट्रेड के लिए जाऊंगा। अभी भी एक कैंडल भाग रहा है, मैं लेकिन इस कैंडल पर एंट्री किया था और इसी पे मेरे को 30% के आसपास का प्रॉफिट मिला। और शुरुआत दिन की शुरुआत पर हमें देखने को मिला है ऊपर से थोड़ा सा रिजेक्शन। तो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल सभी के, लगता है सभी के सभी सोए हो। सोए मत रहो, उठ जाओ भाई। जब तुम्हारा भाई उठ गया तो तुम क्यों सोए, ठीक है। अब उठ के अपन आज जा रहे हैं दौड़ भाग करने सुबह सुबह, वही अपना रूटीन जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है। दौड़ भाग करने के लिए अपन जा रहे हैं, दौड़ भाग नहीं मतलब मैंने आपको दिखाया है मैं बैडमिंटन प्लेयर, अब मैं दिखाता हूँ आपको आई एम एथलीट, फॉर्मर एथलीट, पुराना खिलाड़ी हम रह चुके हैं। तो अभी अपन यहाँ से गाड़ी को स्टार्ट करके जाएंगे जगह पर जहाँ पर अपने पाजी वेट कर रहे हैं, हमारा किसका वेट कर रहे कि यार कब पहुँचेगा, कितनी देर में आएगा, वेट कर रहे। और यहाँ पर देखोगे तो गड्डियाँ ऊँची हैं रखी हैं, काफ़ी गड्डियाँ ऊँची रखी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी चलते हैं, अभी मैं आ चुका हूँ भाई दौड़ने के लिए। अब हम करेंगे रनिंग क्योंकि भाई तुम्हारे भाई का जो है पेट अब धीरे धीरे फूलने लग गया है, और धीरे धीरे कम करना है, इसे धीरे धीरे कम करना है, मतलब फूला नहीं है बट थोड़ा सा पेट पे फैट आ चुका है। तो इसीलिए मैं तुमसे बोला था भाई उठो और उठ के रनिंग करने के लिए जाओ, क्योंकि ट्रेडिंग में बैठे बैठे सीट पे बैठे बैठे तो चर्बी ना यहाँ जमती है, ठीक है, यहाँ जमती है, तो वो चर्बी को कम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए हम दौड़ने के लिए जा रहे हैं हमारे पहाड़ी हिल स्टेशन, हिल एरिया पर आ गया हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं करूँगा रनिंग, लेकिन मेरी पहले से सांस फूल गई है बट मैं कर लूँगा, और करने के बाद तुम्हें दिखाता हूँ कि भैया कितना पसीना आता है। भाई बहुत गंदगी फटती है भाई यहाँ चढ़े में, हिल हिल रनिंग भयंकर, सुबह सुबह उठो हिल रनिंग करो, नहीं करोगे तो फिर जिंदगी में कभी पहाड़ी चढ़ पाओगे। तो फाइनली एक फेस पूरा हो गया भाई, एक टारगेट पूरा हो गया। एक टाइम पर भाई जब मैं मैराथन दौड़ता था वहाँ पर 42-42 किलोमीटर तक मैं भागा हुआ हूँ मैराथन में, वहाँ भाई 2 घंटे 2.5 घंटे के आसपास, 2.5 घंटे के आसपास चीज़ें कवर हो जाती है 42-42 किलोमीटर। आज 2 किलोमीटर दौड़ना है भाई, ऑलमोस्ट आधा घंटा लग जाता है 2 किलोमीटर दौड़ने में। उस टाइम मैं तो भागते थे, कहते थे काश पैसा होता, पैसा होता, आज पैसा है तो आज हो रही कि आज काश में भाग लेता। देखो भाई फिटनेस नहीं है, सर्कल ऑफ लाइफ। बाकी यहाँ का आपको व्यू दिखाता हूँ भाई, सुबह सुबह उठ के ऐसे नजारा देखोगे तो मज़ा ही आ जाएगा तुम्हें। क्यों पड़े हो बेड में? चलो अब अभी आया हूँ घर, और अभी काफ़ी आज मुझे लग रहा है लेट हो गया, क्योंकि आप टाइम देखोगे तो यहाँ पर टाइम दिख जाएगा, 9:30 हो चुके हैं और आज का मार्केट मेरे लिए 10 बजे से खुलेगा, उससे पहले कुछ नहीं। तो देखते हैं वहाँ मार्केट की ओपनिंग, जैसे मैंने अभी देखा था मार्केट की ओपनिंग, वो मुझे दिख रहा था हल्का बहुत, थोड़ा सा मतलब गैप अप ओपन होने के बाद रुका है, अभी सस्टेन किया है, तो लेट्स सी क्या करता है। अभी मैं यहाँ पर चार्ट ओपन करके देखते हैं मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है या किस तरीके से खुल रहा है, उसी हिसाब से आज के ट्रेड करने की स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी। हाँ सो गाइस जूस पी के हमने किए दिन की शुरुआत, और शुरुआत दिन की शुरुआत पर हमें देखने को मिला है ऊपर से थोड़ा सा रिजेक्शन। बैंक निफ्टी आ रहा है, डाउनफॉल दे रहा है, फिर निफ्टी थोड़ा सा होल्ड करता है, और आपका निफ्टी 50 पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट जो भी कर रहा है अच्छा है, नीचे आना चाहिए। देखो अभी एक कैंडल आया, बहुत तेज फ्लक्चुएशन आया, और यहाँ पे एक 20 EMA का एक सपोर्ट लेके प्राइस सीधा सा एक अप मूव दे दिया है। वही सेम चीज़ देखो कैंडलस्टिक के अंदर एक मूवमेंट देखो, मैं 20,100 का पीस लेके गया हूँ क्योंकि सपोर्ट वाला जोन है यहाँ पर 20,100। अगर इसके अंदर कोई अच्छी हेल्दी कैंडल देखने को मिलता है तो मैं यहाँ पर 20,100 की पी पर ट्रेड करने की प्लानिंग करूँगा। सो लेट्स सी, यहाँ पर मेरे को एक सेटल पे ये एक हेल्दी कैंडल आ रही थी, बट इसने बहुत अच्छा बहुत लंबा वीक बना दिया। देखो 22 का कैंडल या 21 से इस कैंडल सीधा 30, 32, 31 टच करके गया है। सो लेट्स सी क्या करता है मार्केट आज। तो गाइस आपने देखा एक मूवमेंट काफ़ी जबरदस्त, मतलब आपको दिखाता हूँ मैं एक चीज़, आपको बोला था कि मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर रेडी हूँ ट्रेड करने के लिए, वो आपको दिखाता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बोला था, 20,100 की स्ट्राइक प्राइस है मेरी नज़र है, और ये देखो एक हेल्दी कैंडल आएगा तो मैं इसमें ट्रेड के लिए जाऊँगा। अभी भी एक कैंडल भाग रहा है मैं, लेकिन इस कैंडल पर एंट्री किया था और इसी पर मेरे को 30% के आसपास का प्रॉफिट मिला, मैं सीधा एग्जिट कर गया हूँ। 30% बहुत होता है एक स्कैल्पिंग में, मेरे को 1.5 लाख रुपये सीधा
कुछ मोमेंट में बना है, मैं आपको दिखाता हूँ अगर इसके जाओगे तो। मैंने कितने पर उठाया था, 30 ग्राउंड पर इसकी बाइंग करी थी, तो 39 पर मैं एग्जिट मार रहा हूँ पूरा क्वांटिटी को, और 38 कुछ पर मार्केट पर एग्जिट करता हूँ, तो 38 समथिंग के अराउंड एग्जिट हुआ है। तो सीधा सीधा अभी ये 37-38 चल रहा है, 41 टच करके आया है ये कैंडल। तो मैं एक चीज़ आपको बोला था कि एक हेल्दी कैंडल आता है, हम रेडी रहेंगे ट्रेड करने के लिए, और ट्रेड करने के लिए हम रहे रेडी। और अपन ने यहाँ पर सीधा सीधा एक स्कैल्पिंग मूव पकड़ा है, और यहाँ पर हमारे पास 5 लाख रुपये लगाया इसमें, और सीधा 1.5 लाख रुपये का प्रॉफिट नेट टू नेट। और यही बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्टेड था, यही हमारे पास फिर निफ्टी में भी, मेरे को फिर निफ्टी तो पहले से ये चीज़ बता रहा था कि फॉल आ सकता है, और निफ्टी स्ट्रॉन्ग है इसकी वजह से यहाँ थोड़ा फॉल लाइट आ रहा है, बट ठीक है, एक मूवमेंट आ गया है, हमने यहाँ पर इसको पकड़ लिया है। इसलिए मैं आपको चीज़ कहता हूँ कि आप जब किसी पर डिपेंडेंट होते हो ना, कि लोग करवाते हैं आपको ऐसा होगा, ऐसा हाज हो जाएगा, ऐसे यहाँ से अभी मूवमेंट आएगा, वहाँ पर करवाना और एक तरीके से खुद ट्रेड करना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो उस चीज़ को आप समझा करो। और जब आप खुद ट्रेड जब आप करते हो, तब आपको कितनी डिफिकल्टीज वहाँ फेस करने को मिलती है आप सभी जानते हो। तो इस ट्रेड करना और करवाने में बहुत डिफरेंस होता है, तो इस ये चीज़ ध्यान में रख के आप चीज़ों को सीखा करो, या किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया करो, या किसी को ब्लाइंडली फॉलो किया करो, ठीक है। कोई प्लानिंग होती है किसी भी ट्रेड को लेने से पहले, कोई भी स्ट्राइक प्राइस को चूज़ किया जाता है कि यार हम किस स्ट्राइक प्राइस में अभी ट्रेड करने वाला हूँ, और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन खराब है तो आप पैसा नहीं बना पाओगे, और खासकर एज ए स्केल पर आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो प्राइस चल रहा है 132, मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड किया, इस स्ट्राइक प्राइस है, ये क्या था, सपोर्ट था। क्यों कि ये सपोर्ट है, यहाँ क्यों ट्रेड किया, क्योंकि यहाँ तक प्राइस आ सकता है इजीली, है ना, यहाँ से अगर ब्रेक डाउन देता है सपोर्ट तो इजीली आएगा, बट ये थोड़ा स्लो है, ये फास्ट है, बट यही इतनी स्पीड अगर यहाँ पे आ रही होती तो ये मेरा जो प्रीमियम है 30 का सीधा 50 टच कर चुका होता, ठीक है। बट अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपन ने यहाँ पर मूवमेंट पकड़ा, अपना हो गया अभी तक का ट्रेड फाइनल। तो आप देखते हैं क्या है मार्केट का, 1.5 वो 170-180 इजीली बन रहा था, बट 39 के अराउंड में एग्जिट किया तो कोई दिक्कत नहीं। सो अपन से यहाँ तक हमने पकड़ा था, उसके बाद एक और डाउनफॉल आया रिटेस्ट करके, यहाँ पर देखो इस जगह पर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद वापस से जो एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुई, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आउट ऑफ द मनी पर ट्रेड किया हूँ, 20,000 पी लेके गया, देखो कितना दूर है, 90 पॉइंट दूर है ना, एक तरीके से 100 पॉइंट नीचे का पी उठाया, क्योंकि एक्सपायरी है तो स्पीड आता है, मोमेंटम आता है, वही हमें चाहिए था। देखो कैंडलस्टिक और सेम कैंडल में एंट्री, सेम कैंडल में एग्जिट, कैंडल देखो 8 से 15 गया, और हमारा जो इस वाले ट्रेड में इंडिया ट्रेड में हमारा बन गया 28,000 रुपीज। सो हम नेट टू नेट आ चुके हैं अभी 1,79,000, और हमारा टाइम होता है 10:31। सो अभी इस मोमेंट में हम 2 ट्रेड पकड़ लिए हैं, 2 ट्रेड में हमारा ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो चुका है। फर्स्ट ट्रेड काफ़ी अच्छा था, फर्स्ट को ही कैरी करते तो ये भी प्रॉफिट आपको पता ही कितना होता है, मैं 5 लाख डिप्लॉय करता, 30% अपन ने बुक किया, फर्स्ट कैंडल पे उठाया था भाई, ये फर्स्ट कैंडल पे उठाया था, 10% मिलती है एग्जिट मारा हमने, और मतलब 30% मिलती है एग्जिट मारा, 30 का 40 गया था, तो हमारा एकदम 30% बन गया था। बट उसके बाद देखो काफ़ी अच्छा मूवमेंट, थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं, हम स्केल पर, तो ये देखो यहाँ पर होल्ड किया, और एक हेल्दी बिग बार यहाँ पर बना था, वही सेम बिग बार यहाँ पर भी बना। तो यही चीज़ ऑब्जर्व करनी होती है जब आप बिग बार पर काम कर रहे होते हो, तो स्ट्रेटजी है ना, जो बात होती है ना स्ट्रेटजी कैसे बनती है, स्ट्रेटजी वही बैक टेस्ट करके बनती है, चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करके बनाई जाती है। आपको स्ट्रेटजी हम ठीक है चार्ट पे हम काम कर रहे हैं, इट्स ओके, चार्ट पे आपको जैसा काम करना है करो, जैसा आप कोई भी प्लॉट हो सकता है, लेकिन प्रीमियम के अंदर काम कैसे होता है, प्रीमियम के अंदर इस तरीके से काम होता है, आपको प्रीमियम को ऑब्जर्व करना पड़ता है अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी या किसी भी सेटअप पर काम कर रहे हो। तो अगर प्रीमियम ऑब्जर्व नहीं करोगे तो मार्केट में बहुत बुरी तरीके से फंस जाओ, क्योंकि आप स्ट्रेटजी पर काम करते हो, स्ट्रेटजी सेटअप स्ट्रेटजी को या स्ट्रेटजी या सेटअप को आप चार्ट पर फॉलो करते हो, बट प्रीमियम के अंदर नहीं करते हो, और प्रीमियम में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप स्ट्रेटजी के भरोसे बैठे होते हो, और वहाँ पर बड़ा लॉस हो जाता है, प्रीमियम में आपका श्रिंक हो जाता है। तो ये ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है जब भी आप किसी सेटअप या किसी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हो। तो अभी आप अपन चल देख रहे हैं मूवी, क्योंकि यहाँ हमारा मार्केट चल रहा है साइडवेज, और उसके बाद से अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया गया है, और पूरा का पूरा रेंज में बैठा पड़ा है मार्केट, और रेंज में ज़्यादा उंगलीबाजी करोगे, ज़्यादा ट्रेड लेने के लिए जाओगे तो बहुत फंसो, ठीक है। तो फिलहाल अभी तक के कोई ट्रेड नहीं लिए गए, इसके बाद वेट कर रहा हूँ मैं मोमेंटम किसी डायरेक्शन में ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने का रेंज का, फिर कोई ट्रेड प्लान किया जाएगा। हाँ सो गाइज, अभी यहाँ पे मतलब रात हो गई है, और रात होते हुए थोड़ा सा अपना काम भी चलता है, और कुछ टॉपिक्स स्टडी किए जाते हैं जो कि जरूरी है एज ए फिटनेस इन्फ्लुएंसर, आपको मतलब एक तरीके से आने वाला टाइम है, आई थिंक सो कि यार आपको कुछ क्वालिफिकेशंस कुछ रिलेटेड टू द सिक्योरिटी मार्केट, कुछ आपके पास क्वालिफिकेशन या कुछ सर्टिफिकेशन होने चाहिए, तो अपन उसकी प्रिपरेशन करते हैं, और अपन रीड करें सिक्योरिटी मार्केट और स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया एंड बहुत सारे टॉपिक, बहुत मतलब कमोडिटी मार्केट, बहुत डीप टॉपिक है, बहुत बढ़िया है, मतलब पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना। जैसे मैं आपको एक ये स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, तो मैं अभी स्टार्ट किया हूँ सब चीज़ें पढ़ना, बाकी अपन तो स्कैल्पर हैं, और अपन ने कैसे स्कैल्पिंग किया जो आपको
आई होप देखने को मिला होगा और उससे कुछ सीख रहे होंगे आप। और आप अपना थोड़ा ट्रेडिंग स्टाइल में एक काम, मतलब अपना ट्रेडिंग स्टाइल को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश किया करो डे बाई डे, और थोड़ा सा अपने आप में भी आप लाइफ स्टाइल में एक चैलेंज लो कि अगर आप एटलीस्ट ट्रेड करो तो ओवर ट्रेडिंग से तो कम, मतलब ओवर ट्रेडिंग से तो अपने आप को बचाने की कोशिश करो। एटलीस्ट एक से दो या तीन ट्रेड ही दिन का प्लान करो, क्योंकि अभी मार्केट ऐसा हो चुका है जहाँ पर रिटेल ट्रेडर के पास पैसा बचाने के लिए अब शायद ही मार्केट है वो पैसा बचा पाएगा, बना पाएगा ठीक है, एक दो दिन बन जाएगा, लेकिन हर दिन एक्सपायरी है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आप हर दिन एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो, और एक्सपायरी के अंदर आपको पता हो आप कितने ज़्यादा ट्रेड करते हो, सिर्फ आप क्या करते हो ब्रोकरेज बना रहे हो ना, ब्रोकर कमा रहे हैं आपका, आप नहीं कमाने वाले। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि आपने पैसा बनाना है, आपके ब्रोकर ने नहीं। तो ट्रेड कम करो, क्वालिटी ट्रेड्स ज़्यादा पकड़ो, साइडवेज मार्केट में छोड़ दो, नहीं है मोमेंटम नहीं है कुछ जबरदस्ती के ट्रेड मत करो भाई, आप रिटेलर हो, आपके हम सब रिटेलर हैं, हमारी वजह से मार्केट में वॉल्यूम है, तो हमारा पावर पता होना चाहिए मार्केट को। अगर रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो क्या हो सकता है मार्केट में, तो थोड़ा सा आपको पार्टिसिपेशन बढ़े, आपको ग्रीड कराया जाए, लालच करवाया जाए, इसीलिए मार्केट में इतनी एक्सपायरीज करवाई गई हैं, ठीक है, ताकि आप रोज रोज आओ, रोज रोज पैसा डुबाओ। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझो। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस और बुक स्टडी भी अपना चल ही रहा था, और बहुत सारी स्टडी चल रही थी यहाँ पे। तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको आप ट्रेडिंग चलते इसको सीखना चाह रहे हो तो आप मेरा ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ जाके आप ऐप के अंदर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर अपनी लाइव क्लासेस चल रही हैं अभी फिलहाल, और बेसिक से प्राइम मिनिमम से प्राइस के अंदर। सो कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, और ऐसे मार्केट में मैंने आपको बताया कैसी कंडीशन हो रही है अभी के टाइम पर ट्रेडर्स की। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।